पर मुक्ति भी स्पर्श कर रही है और एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश है। तो फिर दोनों में से एक बात सच्ची की दोनों ही बातें सच्ची हैं। अब दोनों सच्ची हैं तो कैसी सच्ची, कितनी सच्ची, उसकी चर्चा अपन आने वाले समय में करेंगे। अभी तो समय बहुत ज्यादा हो गया आपका, है ना? छोड़ छोड़ देंगे अभी तो नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा जाते जाते 11:30 बजे है। अभी जाते जाते आपको एक नए का नाम बताता हूं। नए का मतलब तो समझ गए, नए से क्या कहां तक जाना है आपको, नयातीत आत्मा तक, बराबर। अनुभव किए बगैर नए सच्चे होते नहीं, ये चर्चा अपनी हो गई अभी, बराबर। ये पॉइंट समझते जाना, ध्यान रखते जाना, बराबर। आइए सबसे पहले जहां मैं नए बता रहा हूं वहां देखिए आप, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, इसकी शुरुआत करते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, देखो आपको याद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बिल्कुल याद नहीं करेंगे, याद मैं कराऊंगा आपको। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, आप टेंशन नहीं रखना इसका, इतने सारे कठिन कठिन नए, उपचरित अनुपचरित सद्भूत असद्भूत, देखो मैं अभी याद कराता हूं। देखो उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, व्यवहार नए तो याद है आपको, ये तो सारे ऑल इंडिया को याद है व्यवहार नए, अव्यवहार नए तो याद करना नहीं। अब दो शब्द रह गए, उपचरित और असद्भूत, उपचरित और दो वर्ड हो गए, बराबर। अब पहले उपचरित समझाता हूं, देखो आप अन्यथा नहीं लेना, उपचरित माने फॉर्मेलिटी, उपचार औपचारिकता, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, उपचार। जैसे ये हमारा भाई है तो कैसे, उपचार से। रेलगाड़ी में बैठे हैं अपन तो माताजी जरा सरकना, अरे तुम्हारी कितनी माताजी हैं कि नहीं, आप समझते नहीं पंडित जी, वो तो रेल में अपने से बड़ों को माताजी कह के, माताजी कह के सरको, नहीं समझ में आई, समझ गए नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, ऐसे ही उपचार से जो कहे सो थिर मत हो इधर, उपचरित व्यवहार नए से जो कुछ कहा जाए उसे वस्तु के स्वरूप में नहीं समझना, उस पर से श्रद्धा खसको, ये ले, नहीं समझ में आई। रेलगाड़ी में कोई भी मिले, बराबरी की हो तो बहन जी, शादीशुदा हो तो भाभी जी, छोटी हो तो बिटिया, तो ये उपचार से बिटिया है, बहन है, भाई है, जो भी कुछ है, उपचार से समझ में आ गया। सारे हिंदुस्तान में सरदार जी को पप्पा कहते हैं तो पप्पा है वे, और सारे मुसलमानों को चचा कहते हैं क्यों, तो चचा है तुम्हारे, समझ गए आप, तो सारा उपचार से, औपचारिकता से, उपचार से, उपचार की कमजोरी समझ में आ गई आपको थोड़ी, उपचार की कमजोरी, बोलो उपचार से जिसे हम अपना कहें वो कितना हमारा, बिल्कुल नहीं, बस हो गया समय दर्शन, ध्यान यही तो रखना है। ये मंदिर हमारा है, ये घर हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं, मम्मी हमारी है, ये पापा हमारे हैं, ये दुनिया हमारी है, मेरा भारत महान, कह जाओ कोई दिक्कत नहीं, कौन से नए से, उपचरित माने खसको, खसको समझ गए, श्रद्धा करने लायक, अपना अनुभव करने लायक नहीं, आहा, उपचरित। कि साहब आप अपने मन से ही मन से बोलते जाते हो, कुछ लिखो है ना में, यहां देखो सुनो, असद्भूत, असद्भूत समझते हो, असद्भूत, आ माने नहीं, जैसे जीव और अजीब, तो जीव का विरोधी अजीब, अजीब माने जीव नहीं, जीव का विरोधी अजीब, ऐसे आ माने नहीं, सद माने सत्ता, अस्तित्व, अस्तित्व में नहीं, भूत माने होना, सत्ता में नहीं होना, असद्भूत। फिर से बोलूंगा 3 बार है, ध्यान से सुनना, आ माने नहीं, सत माने सत्ता में, भूत माने होना, सत्ता में नहीं है, इसका नाम असद्भूत। अब जरा सरल कर दो, आत्मा में नहीं है, मेरे में नहीं है, उसका नाम असद्भूत, सरल लगे। अभी सब लोग पूछते पंडित जी आपका बंगला कहाँ है, तो मैं कह देता हूं मेरा बंगला वो है, अब मैं नंबर नहीं बताऊंगा नहीं तो सब आ जाओगे परेशान करोगे, दृष्टांत है, समझ में आया, असद्भूत।
तो क्यों मेरा बंगला सच्चा है, क्यों तुम्हारा कमरा कहाँ है? भैया आप हमारे कमरे पे आओ, भैया हमारे कमरे पे आओ, तुम्हारा कमरा है, क्रैक हो जाए तो क्या करोगे? बोलो पानी गिरने लगे तो क्या करोगे? कि एक सेकंड भी उसकी श्रद्धा नहीं होती। कहते हैं हमारा 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 हमारा, साफ सफाई भी करेंगे, झाड़ू पोछा भी लगाएंगे, मेंटेनेंस भी बढ़िया करेंगे, बल्ब फ्यूज हो तो बदलवाएंगे, पूरी सजगता से काम करेंगे, और 1% भी अपना नहीं मान रहा, इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसे ही जैसे ये धर्मशाला तुम्हें अपनी कहने पर भी अपनी नहीं लगती, ऐसे ही ये माता पिता कुटुंब व्यापार धंधा मकान दुकान दुनिया अपनी कहने पर भी अपनी नहीं लगती, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सरल है बात, क्या बहुत सरलता समझा रहे हैं आप, चिंता नहीं करना बिल्कुल अभी तो। और एक बात ध्यान रखना, दूध गाढ़ा होगा धीरे धीरे। बोला अरंत भगवान कहां रहते हैं? समोसरण में। कहां रहते हैं? समोसरण में अरंत भगवान रहते हैं। सच्ची की झूठी बात है कि इस नए से सच्ची, इस एंगल से सच्ची, लेकिन वो नए का नाम क्या है? नए का नाम उपचरित असंभूत, बराबर है। अब देखो उपचरित माने उपचार से, उपचार से अरंत भगवान समोसरण में रहते हैं, असद्भूत माने समोसरण परंतु अरंत में नहीं रहता। पकड़ में आया पॉइंट? फिर से उपचरित असद्भूत, उपचरित माने उपचार से अरंत भगवान समोसरण में रहते हैं, बराबर। तो असद्भूत माने परंतु समोसरण अरंत में नहीं है, आत्मा में नहीं है, बराबर। अभी अपन सब कहां बैठे हैं? मध्य लोक में। मैं कल सोच रहा था जी नया मध्य लोक कहां से आ गया, पहले ही अपन मध्य लोक में थे, नहीं थे? नहीं समझ में आया क्यों? जबलपुर में थे अपन विराग जी, तो मध्य लोक में नहीं थे अपन, नहीं थे? और अमेरिका वाले मध्य लोक में नहीं? क्या गजब है, मध्य लोक वाले मध्य लोक में आ गए। लेकिन उपचरित असद्भूत, असद्भूत माने लोग मेरे में नहीं और मैं लोग में नहीं। अच्छा चलो पंडित जी अब हमें समझ में आई कि उपचरित माने उपचार से, असद्भूत माने आत्मा में नहीं है, असद्भूत, और फिर भी तुम मेरा कहते हो, मैं इसमें रहता हूं ऐसा कहते हो, दो को एक कहे, इसका नाम व्यवहार नए। नए माने कहे, नए माने कहे, नए के दो अर्थ होते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। देखो जो बुद्धिमान है ना वो मेरे से अभी परेशान नहीं करना मुझे, ये मैं जानता हूं कि कितनी डोज मुझे एक बार में देना है। किसान पर ज्ञानात्मक भी नए भी तो होते हैं, वचनात्मक भी होते हैं, ये डोज मैं बाद में दूंगा। पहले एक जो हाई पावर की चीज है वो पच जाए, फिर धीरे धीरे दवाइयां बढ़ाएंगे अपन। इसलिए मैं शब्द ज्ञान से ज्यादा आपको भाव पक्ष में वजन दे रहा हूं, चिंता नहीं करना है। फिर से क्या कहा था? उपचरित माने उपचार से, माता पिता मेरे हैं ये उपचार से कहा। असद्भूत माने माता पिता मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं होने पर भी, आत्मा में नहीं होने पर भी वे मेरे कहे जाते हैं, इसका नाम व्यवहार नए। बराबर समझ में आया? अब आप एक आइडिया तो समझ गए इतनी देर में, जल्दी से अपन इसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखो भैया चार लोग भोजन कर रहे हो, भैया औपचारिकता से पांचवे कोई पूछ लो भैया भोजन कर लो। देखो भैया औपचारिकता से पूछ रहे हैं भोजन करना है क्या? क्या मतलब, क्या मतलब, समझ गए? यदि आपने औपचारिकता की है तो इसका मतलब ये है कि नहीं करना। नहीं अब क्या जवाब दोगे बोलो, है कि नहीं करना? और क्या कहेंगे बताओ? इसका मतलब है कि पूरे विश्व को आप अपना कहते हो, वो औपचार से अपना है, उसे अपना मानना नहीं, बराबर। अब मैं आपको चलते चलते इतने प्रैक्टिकल दे दूं ताकि आपको घर जाकर माने जहां कमरे में आप जाएंगे वहां से यहां तक वो घूमते रहें। हाँ भैया आप लोग अपनी शर्ट पहन के आएगी दूसरे की? अरे बोलो डरती क्यों? अपनी कौन से नए से? ये जो जवाब दिया वो कौन से नए से? अच्छा यहां से उठकर जाओगे तो अपनी अपनी चप्पल पहनोगे कि? हाँ अरे बोलो डरोगे, अपनी पहनेंगे ना। भाई साहब उपचारित असद्भूत व्यवहार नहीं होता,
तो ये चप्पल मेरी है ये कहना झूठा होता। लेकिन जैन दर्शन ने दुनिया का सबसे स्थूल व्यवहार का नाम भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से सम्यक ज्ञान कहा। क्या काय कांश पढ़ा आपने इतनी देर में? ये सम्यक ज्ञान है, हम अपनी चप्पल पहनेंगे सम्यक ज्ञान है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा में 1% भी रखेगा तो मिथ्या ज्ञान, दृष्टि में रखेगा तो मिथ्या ज्ञान, कहने में रखे तो कोई दिक्कत नहीं, विकल्पों में रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान में रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है ये मेरी चप्पल है तो अब ये होगा कि उठ करके जाओगे और चप्पल नहीं मिलेगी तो पूरे 1 घंटे का प्रवचन बेकार। अरे बताओ लोग इतनी दूर दूर से चप्पल चुराने आए। अच्छा चप्पल चुराने आएंगे इतनी दूर से लोग है? समय शिखर जी में कोई आएगा इसके लिए आएगा? हैरान मत हो, किसी को जरूरत होगी, किसी के पैर में कांटे चुभ रहे होंगे तो पहन गया होगा, अपना भाई है साधर्मी, चप्पल अपनी है तो साधर्मी भी तो अपना ही है। कौन से नए से, कौन से नए से? माने इतना हेडेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, अब भोजन करोगे तो अपनी अपनी थाली का ही करोगे ना, हमारी थाली हमारी थाली हमारी थाली, कौन से नए से? अब अपने अपने कमरे में जाओगे कि नहीं जाओगे? कौन से नए से? अच्छा अब तुम 50 बना के ला सकते हो? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा चश्मा, मेरा पेन, देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा व्यवहार होता है उपचरित असद्भुत। अब ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करो जिसको पहले नंबर का न याद नहीं हुआ, सही ईमानदारी से सबको याद हो गया है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। फिर से एक बार, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। भैया मैं भारत का रहने वाला हूं, ये बात सम्यक है कि मिथ्या? अब तुम कहो हमें क्या मालूम तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अरे रे, यदि हम भारत का ही मान लें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और हम भारत का ना माने लेकिन लोक व्यवहार को हम जानते हैं, दुनिया के व्यवहार को जानते हैं, इसलिए मैं कहता हूं मैं भारत में रहने वाला हूं, ये भारत मेरा देश है, इस भारत के लिए हम अपना प्राण भी न्योछावर कर देंगे, कौन से नए से? हाँ ध्यान रखना उपचार से ही। देखो सैनिक मरने की कसम खा के जाते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, यदि उनका बस चले तो बिल्कुल जीते जी रिटायर होना चाहते हैं। अब वो अलग बात है कि मर जाए वो अलग बात है, मरने की कसम खा के जाते हैं और मरना चाहते नहीं, ये है सम्यक दर्शन का बैलेंस। सारी दुनिया को हम अपना कहते हैं लेकिन अपना मानते नहीं है, इसका नाम सम्यक दर्शन का बैलेंस। आया समझ में? आया उपचरित असद्भुत। अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं आपकी कापियां चेक कर सकूं, नहीं तो मेरा कहना यह है कि आप दिन भर में अब यहां से उठते से जाओ, कहां कहां उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं लगा, कैसे लगा, इसकी थोड़ी थोड़ी आपस में चार चार जने गोष्ठी करते जाओ। नहीं नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हो, जैसे ही आप कहो बेटा इधर आना, झट याद आएगी आपको कौन सा नए, जैसे यहां से निकलोगे और महिलाएं पहले निकलेंगी तो भीड़ भड़कता होगा, बहन जी जरा सरकना, हाँ आ गया याद आ गया, बिल्कुल ठीक। तो आज अपनी ये पहली सभा हुई, पहली पहली कक्षा हुई, मतलब देखो मैं एक बात सोच रहा था, नाम तो रखा था प्रवचन प्रसारण और उद्घाटन हुआ कक्षा प्रसारण से। कोई बात नहीं है, आपने को तो किसी तरह से भी वस्तु स्वरूप को समझना है, कठिन लगे तो बिल्कुल इतना सा हाथ खड़ा करना आपकी शिष्टता होगी, हम आपको समझ जाएंगे कठिन है, और जो बिल्कुल नहीं समझते भी सबसे आगे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बैठे हो आप वहीं से समझने की कोशिश करो कोई दिक्कत नहीं। दो बार, और अब ये तो कक्षा हो गई, मैं एक छोटी सी अपील भावनात्मक है जो वो मैं करता हूं।